नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपपुर ज्योति जनरल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। जैसर में राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों व चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा नहीं करने के विरोध में आज मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उप तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों की फसल बर्बादी के मुआवजे की मांग व चुनाव के दौरान राहुल गांधी द्वारा 10 दिनों में ऋण माफी की घोषणा को पूरा करने, बिजली बिलों को माफ करने व बढ़े हुए बिजली बिल वापसी लेने, पेट्रोल डीजल वेट घटाकर रेट कम करने, युवाओं को रोजगार देने जैसी विभिन्न मांगों का ज्ञापन जैसर नगर मंडल अध्यक्ष अशोक गोयल के नेतृत्व में उप तहसीलदार कार्यालय में सौंपा गया। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष रवीन बागला, हीरालाल जैसल, दिनेश पारिक भाजपा नगर मंडल के महामंत्री अमित पुनियाई, उप सरपंच विनय गोयल, संयुक्त व्यापार संघ के सचिव मोनू सेतिया, युवा मोर्चा पूर्व जिला मंत्री ब्रजमोहन मोंदड़ा, विजयनगर देहात मंडल के मनदीप सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए।